ये है ईटीवी भारत और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। उदयपुर में मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट ने राज्य की भजन लाल सरकार पर साधा निशाना। कहा, भाजपा नेता जनता का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे। अलवर में शादी के 20 घंटे बाद ही लुटेरी दुल्हन गहने और नकदी लेकर हुई फरार। घटना के बाद पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में मामला कराया गया दर्ज। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच जयपुर में 51 मिनट में बनाए गए 5100 लड्डू। प्रेरणा संस्थान की ओर से तैयार इन लड्डुओं को 22 जनवरी को बांटा जाएगा जनता के बीच। अयोध्या ही नहीं, जयपुर में भी रामलला का मंदिर मौजूद है। सुरक्षा की दृष्टि से भगवान राम अयोध्या से जयपुर लाए गए थे, उन्हीं के स्थान पर आज रामलला का मंदिर मौजूद है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले जैसलमेर स्थित तनोट माता मंदिर में 24 घंटे के अखंड रामायण पाठ का किया गया आयोजन। 22 जनवरी को दीपावली मनाने की जा रही तैयारी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी और रिवीजन के लिए छात्रों को दिए जाएंगे क्वेश्चन बैंक। राज्य स्तर पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से क्वेश्चन बैंक प्रिंट कराकर सभी जिलों के स्कूलों तक पहुँचाए जाएंगे। जयपुर में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के बीच सीएम भजनलाल शर्मा बिना किसी पूर्व सूचना के जयपुर जंक्शन के आसपास के रैन बसेरों में पहुंचे। यहां उन्होंने निरीक्षण किया, साथ ही लोगों से बातचीत की। कूचामन सिटी के मौलासर थाना क्षेत्र स्थित एक गांव से दो सगी विवाहित बहनों और दो बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। इस सनसनीखेज घटना को लेकर पुलिस ने 6 लोगों को डिटेन कर जाँच की शुरू। कोचिंग संस्थानों को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन के तहत 16 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को ही कोचिंग में मिलेगा प्रवेश। कोटा के कोचिंग एक्सपर्ट ने की मांग, कहा साइंस के विद्यार्थियों के लिए ये उम्र सीमा 14 साल होनी चाहिए। दी बार एसोसिएशन जयपुर के शपथ ग्रहण समारोह में शनिवार को शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वकील न्याय दिलाने का काम करते हैं, साथ ही लोकतंत्र के मजबूती स्तंभों में न्यायपालिका का स्थान अहम है। ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें tvbharat.com।